तमाम चोरों के साथ, तमाम ऐसे कोपित लोगों के साथ संबंध है जो समाज में नशा बेचने का काम करते हैं, समाज में चोरियां और डकैती दूसरे बुरे काम करते हैं, उनके साथ उनकी साथ काटती। इसलिए थाने में आम आदमी का विश्वास नहीं बचा था, अपराधियों में विश्वास हो चुका था। अब पुलिस अपने समर्थन को सीख रहे, पुलिस अपनी नारी को सीख रहे, अपराधियों में खूब रामजन में विश्वास पैदा करे, तुरंत प्रभाव से चोरी के खिलाफ कार्रवाई करे। आज ये बंद था, ये व्यापार मंडल की तरफ से था, ये कोई राजनीतिक दल की तरफ से या किसी नेता की तरफ से नहीं था। हम तो इन साथियों के दुख दर्द में शामिल होने के लिए आए। कई साथियों ने फोन करा कि आप आइए, मैं तो कहता हूँ ये दो तीन दिन में कार्रवाई नहीं करेगी तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और इंडिया गठबंधन बड़े प्रदर्शन के साथ थाने का घेराव करेगी और कानून व्यवस्था को सही करवाने का काम करेगी। अच्छा, जो चोरी के अलावा महिलाओं की चैन भी तोड़ी जा रही है, मतलब जो घटनाएं नहीं होनी चाहिए वो सारी घटनाएं होने लगी हैं। घटनाएं इतने बड़े स्तर पर होने लगी जैसे बेकोप कोई कर रहा हो। देखो घटनाएं होती हैं, चोरियां होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, पहले भी हुई है चोरियां, लेकिन जिस बेखौफ तरीके से कर रहे हैं, कल पुलिस एक्टिव हुई है शहर में, लूट हुई है, लेकिन कहीं भी इन्होंने नाकेबंदी नहीं करी। लूट के बाद क्या होता है, तीनों चारों थानों में सारे चारों तरफ नाकाबंदी होती है, कुछ नहीं, ये नाकाबंदी करते हैं लकड़ी के लिए, नाकाबंदी करते हैं डीजल के लिए और उनसे बंदी जचाने के लिए, इसके अलावा ये चोरों के खिलाफ कोई नाकाबंदी नहीं कर रहे। इसलिए आज पुलिस के थाने पर सारे लोगों को आना पड़ा है। मैं कहता हूँ कि यहाँ का व्यापार मंडल इकट्ठा होकर के आह्वान करेगा तो हम सब लोग दो दिन के बाद फिर मजबूती के साथ आएंगे और पुलिस को जवाब देंगे और जवाब पुलिस से लेंगे भी कि आपने कानून व्यवस्था को लेकर के क्या करा। सर, जो पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान उठ रहे हैं लगातार, संयुक्त व्यापार मंडल भी उठा रहा है, व्यापारी भी उठा रहे हैं, आपको लगता है पुलिस प्रशासन की प्रणाली लचर हो चुकी है? पिछले लचर नहीं, चोरों से मिले हुए, मैं कह रहा नहीं रहा हूँ, सरेआम आरोप लगा रहा हूँ। और ये जो अपराध बढ़ रहा है और जिस तरीके से नशे का कारोबार भांगड़ा में बढ़ रहा है, मन्नाराम की जांच के लिए मैंने 3 तारीख को ज्ञापन दिया, अभी ज्ञापन आपको सार्वजनिक भेजूंगा, एजीपी पुलिस को मैंने ज्ञापन दिया था कि मन्नाराम के इन लोगों के साथ कोई संबंध तो नहीं है जो लोग यहाँ तस्करी का काम कर रहे हैं। और जैसे ये लग रहा है कि पूरे जिले के चोर तस्कर यहीं इकट्ठे हो गए, पादरा में इकट्ठे हो गए, ये स्थिति है, इस पर तुरंत प्रभाव से पुलिस काबू करेगी। मेरी ये मांग है और ये जनता की भी मांग है कि काबू करे, शासन किसी का हो लेकिन पारदर्शी रूप से चले और चोरों पर कार्रवाई करे। और चोर मैं उन लोगों से भी एतराज करता हूँ जो चोरों को लेकर के गलत अफवाह फैलाते हैं। कल चोरी हुई, चोरी के घंटे बाद तथाकथित एक चैनल पर, तथाकथित एक चैनल पर ये लिख दिया गया कि चोर पकड़े गए, उससे गुमराह हुए सब लोग। मुझे खुद 4 बजे पता चला कि चोर नहीं पकड़े गए, क्योंकि लोग ये सोचते हैं किसी ने लिखा है तो उसके बाद में कंटेंट में कोई दम होगा, लेकिन कोई दम नहीं था। असली दिक्कत ये है कि भादरा पुलिस ने जिस तरीके से चोरों के सामने सरेंडर कराया, ये शहर की तबीयत के लिए और शहर के लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए, आमजन के लिए ये बड़ी दुख की बात है। और सजगता के साथ हमें लड़ना चाहिए, लड़ेंगे और सही कानून व्यवस्था के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाएं। चलिए, संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष रंजन जी, पहले चोरी की घटनाओं को कल देर और रात को